इंद्र जय भोलेनाथ, 8:40 PM और सूरत आ गया है तो आपको पता ही है सबको। तो चलिए आपको पहले तो ये दिखा देता हूँ कि कल क्या क्या लिखा और आज क्या क्या लिखा, देख लीजिए। कल लिखा था जो पहले कल का गुड मॉर्निंग पोस्ट देख लीजिए, कल जो मैं वहीं से लिखा था, ओंकारेश्वर जा रहा था तब वहीं से 6:47 AM पे कल लिख दिया था, 6:47 AM पे क्या लिखा आप देख लीजिए। कल मैंने लिखा, टुडे स्टार्ट ऑफ न्यू वीक, एक्सपेक्टिंग दिस वीक टू बी वेरी पॉजिटिव बट स्पेशली फ्रॉम वेडनेसडे आई एम सीइंग ह्यूज अपसाइड एंड टुडे एंड टुमारो आई सी बोथ साइड मूवमेंट। ये कल का है, कल का येस्टरडे का खाली बस दिखा रहा हूँ सर, कोई कॉल नहीं है, कुछ नहीं है, आप लोग बस। और जो जो मेरे फॉलोवर्स है उनसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, अगर मैं 12,000 नहीं आया तो डेफिनेटली आई विल बी एक्सट्रीमली सॉरी। बट ये बता दूँ, मैंने आप लोग को जो सिखाया भी था, जो बोला था कि 25,000 से ऊपर अमाउंट मत लगाना, और ये 25,000 ही आपके रिस्क है, ये हमेशा बोला था, तो उसकी छोड़ी है। लेकिन अभी ये आफ्टर 24 ईयर्स फर्स्ट टाइम वो जुलाई वाला फेल हुआ है, वो आप लोग समझ गए होंगे मेरे फॉलोअर्स, आफ्टर 24 ईयर्स फर्स्ट टाइम फेल हुआ है। आई एम सीइंग ह्यूज अपसाइड एंड टुडे, अच्छा ये देख लिया, टुडे स्टिल इन इंदौर एट 7, वो लिखा था मैंने कल, कल ट्रेन भी मिस हो गई आपको सबको पता ही है, ये कल का था। और आज का ये गुड मॉर्निंग पोस्ट था, कितने बजे का आज का, 8:42 AM। टुडे ऑल्सो मार्केट विल बी वोलेटाइल लाइक येस्टरडे बट विल ट्राई एंड ऑन पॉजिटिव साइड, विल ट्राई एंड ऑन पॉजिटिव साइड लाइक येस्टरडे बट फ्रॉम टुमारो रियल बुल रन विल कम एज पर्सनली आई एम एक्सपेक्टिंग एनी टाइम टुडे आफ्टर मार्केट आवर्स गवर्नमेंट कुड गिव स्टिमुलस पैकेज टू बूस्ट द मार्केट्स एंड इकोनॉमी एंड ए रोल बैक अनाउंस एंड रोल बैक कैन बी अनाउंसड ऑन FPI सरचार्ज कुड ऑल्सो कम बट दीज आर माई एक्सपेक्टेशन नॉट कन्फर्मेशन। ओके नाउ टूडे प्लीज ट्राई टू बाई निफ्टी फ्यूचर्स ओनली वेन निफ्टी स्पॉट कम्स नियर 11,015 विथ इंट्राडे स्टॉप लॉस ऑफ इतना एंड टारगेट इतना। टुडे SBI कुड, ये था, उसके बाद ये दिया था एक कॉल पोजिशनल 10:34 AM पे, अभी तक तो स्टॉप लॉस नहीं हुआ, और ये स्टॉप लॉस हो गया था आज, पहले दिया था सुबह 9:27 AM, इसका स्टॉप लॉस हो गया था, तो स्टॉप लॉस हो गया, लेकिन अब ऊपर आ गया तो उससे कोई मतलब नहीं, स्टॉप लॉस हो गया, स्टॉप लॉस मीन्स स्टॉप लॉस। और ये दिखा था मैंने, देखिए आप लोग 12:09 क्या लिखा कि 10,980 के आसपास आज लो बनेगा इन निफ्टी स्पॉट, 12 बजे लिख दिया था ये। एंड इफ मार्केट क्लोजेज बिलो 10,980 टुडे ऑल लॉन्ग्स शुड बी एग्जिटेड, और अगर वीकली क्लोजिंग भी 11,000 के तो एग्जिट ऑल लॉन्ग्स, ये लिखा। फिर उसके बाद देखिए मैंने क्या लिखा, एक दिया SBI का कॉल 46 मिनट्स पहले, यानी कि ये जो टाइम आपको दिख रही है, ठीक है, मुझे तो आंखें भी कमज़ोर हुई है, 12:55 PM बाय SBI फ्यूचर्स 282.25 नाउ 280.65 स्टॉप लॉस वेरी स्ट्रिक्ट, 280.70 रुपये का लो है देख लीजिए आप, तो उससे 5 पैसा नीचे दिया था मैंने, तो अभी भी 281 नीचे ही चल रहा है, ठीक है, स्टॉप लॉस भी हो सकता है। और ये दिया था मैंने बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि वो 10,980 मुझे पता था लो बनेगा आज 12:25 पे, 10,986 पे बाई करिए, 10,943 का 11,090 का टारगेट, तो ये 10,977 से घूम के 11,000, अभी 50 कुछ था, अभी 37 चल रहा है, ये तो सुबह का हाई है 78, तो ऐसा मेरा मानना था। और ये क्यों दिया था कि 10,980 लो बनेगा, वो आप लोग को टेक्निकल समझा रहा हूँ मैं, देखिए ये लाइन अगर मैं टांगता हूँ आप लोग सिखाने के लिए, जस्ट जिसको इंटरेस्ट है वो सीख सकता है। ये देखिए ये ट्रेंड लाइन मैंने बनाया, तो ये ट्रेंड लाइन क्या बोल रही है, इसका सपोर्ट आज का सपोर्ट 10,980 के आसपास ही है, एक्चुअली 10,970 बनता है, ये 70 या 60 के आसपास,
तो देखिए इतना मैंने एक्सपेक्टेड लो माना था इसको, और वीकली मैं बोल रहा था कि 11,000 के नीचे अगर क्लोजिंग होती तो ख़राब है। और इस वीक में मुझे आशा है क्या है वो आपको बताता हूँ, इस वीक में मुझे हाई की आशा है एक तो 11,220 या फिर 11,305, दोनों में से कोई एक हाई तो ज़रूर बनना चाहिए इस वीक में, अगर ये ट्रेंड लाइन नीचे की सपोर्ट नहीं तोड़ता तो। ये टेक्निकल मैंने मुझे लगा, तो व्यू तो मैं कुछ दे नहीं सकता हूँ क्योंकि भैया रॉन्ग हो गए, रॉन्ग इंसान होता है लेकिन मैं भी हो गया। तो ये बस मैंने इसके हिसाब से बताया था कि 10,980 का आज लो बन सकता है, बस उसके बाद मार्केट घूम भी गया आप देख सकते हो। अभी 11,000 वापस 11,047 आ गया, 86 पे बाई दिया था देख लीजिए 77 का लो, और टारगेट दिया 11,090, अभी 78 का तो सुबह का ही हाई है, तो देखते हैं। बट चलो रॉन्ग तो रॉन्ग हो ही गया अपन। अब आने वाले कुछ आज स्टिमुलस पैकेज आता है शाम को, गवर्नमेंट कुछ सोचती है और FPI पे रोल बैक आता है, तो कल से मार्केट मेरे हिसाब से बढ़ना चाहिए, बट ये एक्सपेक्टेशन है, नो श्योरिटी ऑन दिस, जस्ट एन अपडेट। और अब तो अपडेट भी नहीं डालूंगा क्योंकि शर्मिंदा हूँ यार, है ना, कि अभी तक भी 11,500 भी नहीं आया सारा, अपन तो 12,000 की बात कर रहे हैं। एनीवे सबको दिल से सॉरी, बुरा नहीं हूँ दोस्तों, आप लोग को जब ट्रेनिंग भी दिया था तब यही समझाया था कि लगाना इतना ही अमाउंट जो सहन हो सके, है ना, लेकिन सब अंधाधुन लगाए। तो एनीवे अभी ख़त्म नहीं हुआ मामला, मार्केट कुछ भी हो सकता है, बट एक मार्केट को बूस्ट अप के लिए एक बड़ी न्यूज़ चाहिए, जो FPI के रोल बैक और कुछ GST में रोल बैक आ जाए तो वैसा हो सकता है, जो 28% वाला स्लैब मोटर से, क्योंकि आज मारुति देखिए आप अंधाधुन बढ़ रहा है, तो ऐसा लगता है कोई ना कोई न्यूज़ इसको हिडन ऑलरेडी पता है। कल का क्लोजिंग 5973 था, आज 6164 बना चुका है, तो बस ये जस्ट ए व्यू है। एनीवे थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल, आप सब मेरे जिन्होंने भी मुझसे ट्रेनिंग ली है हमेशा मेरे दिल के करीब रहोगे, मानता हूँ गुस्सा भी होंगे आप, गाली भी दे रहे होंगे, बट मैंने ट्रेनिंग में ऐसा कभी नहीं सिखाया था कि आप अंधाधुन खेलिए, मैंने क्या सिखाया था 3 महीना आप पेपर ट्रेडिंग करिए, पर उसमें रिस्क कभी भी लीजिएगा तो 25,000 से ऊपर मत लीजिएगा, जो KBC स्कीम में सबको याद होगा फिर भी, और ये 23 साल के बाद ये रिकॉर्ड टूटा है जो मैंने आप लोग को सिखाया था, आप चेक कर सकते हो। तो मैंने ये सोचा कि उसके बाद अगस्त में आना चाहिए, जुलाई में नहीं आया तो ये, क्योंकि इस बार बजट आ गया था। एनीवे आई डोंट वांट टू जस्टिफाई, लव यू ऑल।